हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मस्ती माय वर्ल्ड। ओके फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। और आप लोगों ने ट्रम्बल देख के तो अंदाज़ा लगा लिया होगा ब्लॉग का, तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग बादाम, काजू, सारे जो मेवे हैं वो कटिंग कर लेंगे और फिर स्टार्ट करते वीडियो। हाँ, तो नबी है तो हम लोग जो खीर पूरी बनाते हैं तो पूरी हम लोग एक दिन पहले बना लेते हैं। तो हमने ये 1.5 किलो मैदा लिया, उसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और फिर हम लोग घी और तेल का अच्छा मोयन रेडी करेंगे जिससे पूरी हमारी एकदम सॉफ्ट बनती है और अच्छी भी लगती है, फुली फुली बनती है। तो इस तरह से आपने घी और तेल का अच्छे से मोयन रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हमारा मोयन रेडी हो गया है। तो अब इसके अंदर हम दूध से इसका आटा बांधेंगे और ये अब हम दूध डाल के इसका आटा बन देते हैं। दूध से आटा बांधने से पूरी एकदम सॉफ्ट सी बनती है और अच्छी भी लगती है, टेक्सचर भी अच्छा लगता है। तो मेरी मम्मा हमेशा दूध से ही आटा बांधते हैं पूरी का और फिर उसके अंदर से थोड़ा पानी डाल देते हैं जिससे पूरी लॉन्ग चलती है। हाँ, आप चाहो तो पूरी दूध से भी बना सकते हो, बट हम लोग थोड़ी दूध और थोड़ी पानी से आटा बांधते हैं उसका और ये हमारे आटे को 20 मिनट का रेस्ट देंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या करना है कि अच्छे से आटे को गूंद लेना, उसके बाद हम लोगों को 5 पार्ट करना है। उसमें से 4 डो छोटे छोटे निकालना है इस साइज़ के। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। और फिर 1 डो, जैसे अभी येलो कलर की हम पूरी बना रहे तो हमने येलो कलर का जो कलर डालना है उसके ऊपर पानी डाल के उसे अच्छे से गूंद लेना और एकदम ये वाला टेक्स्चर लाना, एकदम स्मूथ टेक्स्चर। देखिए कितने अच्छा टेक्स्चर आ गया। और फिर अभी इस तरह से हम लोग जो वाइट कलर का डो है उसे भी इस तरह से गूंद लेंगे और फिर उसे प्लास्टिक फॉइल में रैप करके रख देंगे और जब बनाएंगे तब हम इसे बना लेंगे फटाफट। इसी तरह से हम रेड कलर की जो पूरी है उसे भी बना लेंगे। हमने ये जैसे ये डाला रेड कलर, अब इसके ऊपर पानी डाल देंगे और कितना मज़े का कलर लग रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और फिर इसे अच्छे से गूंद लेंगे। और हाँ, मम्मा बोल रही थी कि आपने पहले लाइट कलर से स्टार्ट करना है, नहीं तो फिर वो आपके हाथों में रहता है या तो थोड़ा बहुत भी लग ही जाता है, तो इसलिए आपने पहले स्टार्ट करना है लाइट कलर से, फिर आपने धीरे धीरे करके डार्क कलर पे आना है, ठीक है। और इस तरह से हमने रेड कलर का भी टेक्स्चर रेडी कर लिया है अब, और ग्रीन का भी कर लेंगे और फिर हमारे डो रेडी हो जाएंगे, फिर हम कलरफुल पूरी बना लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम जो हम भुजिया बनाने वाले तो उसके अंदर की स्टफिंग रेडी करेंगे। और फिर मैं मतलब ये जाली को ड्राई कर रही थी तो मैंने गैस पर रख दी, ये मैंने सोचा कि आपको हैक बताने जैसा है तो फिर मैंने बता दिया। और फिर इस तरह से हम सूजी को भी छान लेंगे और शायद ये 250 ग्राम होगी सूजी, और इसे अच्छे से छान लेंगे और फिर से रोस्ट कर लेंगे हम लोग पैन के अंदर, और थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए फिर इसके अंदर आपने घी डाल देना है और इसे अच्छे से सेक लेनी है, ठीक है। और इस तरह से कलर हो जाए तो फिर आपने अलग बाउल में निकाल लेना है इसे। और फ्रेंड्स, हम इस तरह से जो लाल द्राक है, चारोली है, खसखस, इसे इस तरह से सेक लेना है आपने, भून लेना है और फिर आपने इसको जो हमने सूजी सेकी थी उसके अंदर ही डालते जाना है। और फिर लास्ट में आपने नारियल को भी देखिए इस तरह से कर लेना है और फिर आपने सबको मिक्स कर लेना है, ठीक है। और फिर इसके अंदर आपने मावा डालना है और जब गर्म गर्म हो उसके अंदर मावा इस तरह से डाल देना है। फ्रेंड्स, तो मावा डालने से क्या मज़े का टेस्ट आता है भुजियों में। और फिर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से, मिठास के हिसाब से आपने शक्कर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना और इतने मज़े के बने थे, सच बता रही हूँ, इतनी अच्छे लग रहे थे। और फिर आपने इसमें इलायची पाउडर डाल देनी इसमें जिससे खुशबू के लिए। और फिर हमने अपने क्या करना है, बादाम, पिस्ता और काजू, इन सबको भी इसी तरह से आपने सेक लेना, ठीक है। और फिर इसे भी आपने जो हमने स्टफिंग रेडी करी है सूजी वाली उसके अंदर डाल देना, ठीक है। और ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। फ्रेंड्स,
तो मैंने सोचा कि हमारा मोहल्ला सजाया है तो मैं थोड़ी सी अपने मोहल्ले की भी सोचने लगती हूँ, क्योंकि मिलादुन्नबी और सब हर घर सजता है, तो मैंने सोचा मोहल्ला भी बता दी थी ये देखिए हमारा मोहल्ला कितना मस्त सजा दिया माशाल्लाह। फ्रेंड्स अब हम पूरी बनाने की तैयारी करेंगे, देखिए हमारा डो और ये अब सब कुछ रेडी करके रख दिया है, अब हम पूरी बनेंगे ठीक है। तो ये मम्मा यहाँ पर पेड़े तैयार करें छोटे छोटे, जिससे फटाफट हम पूरी को प्रेस करके बना लेंगे और ये हमारी पूरी रेडी हो गई देख सकते हो आप। अब से हम कढ़ाई में डाल कर तल लेंगे और आप देख सकते हो कितनी मज़े की फुली फुली पूरी बन के तैयार हुई है माशाल्लाह देखिए आप। फ्रेंड्स तो अब हम आते हैं कलरफुल पूरी की तरफ। तो पहले क्या करना है कि आपने जितने भी सारे डो हमने बनाए थे वाइट येलो रेड ग्रीन, उस सारे डो को आपने इस तरह से बेल लेना है ठीक है। मम्मी बता रही इस तरह से अच्छी मोटी मोटी रोटी बनाकर आपने बेल लेना है, उसे साइड पे रखते जाना है। ये मम्मा ने अब येलो डो को भी बेल लिया इस तरह से, उस तरह से हम रेड और ग्रीन दोनों डो को बेल लेंगे और फिर आगे की रस्सी की आगे देखते हैं। कोशिश करनी कि जो चारों रोटी वो एक ही साइज में बने। फ्रेंड्स तो हमने इस तरह से सारे डो को बेल लिए, तो मुझसे ही गलती हो गई कि मैंने जो क्लिप मुझे ऐसा लगा मैंने वीडियो ऑन कर दिया, पर असल में वीडियो ऑन ही नहीं हुआ था। पर आपने रोटी बेल कर आपने क्या करना है कि अपने हिसाब से कलर को आपने सेट कर देना। अब जैसे हमने पहले वाइट रखा, फिर ग्रीन रखा, येलो रखा और फिर रेड रखा, इस तरह से आपने करना है ठीक है। तो आपने क्या करना है कि पहले रोटी को रखना है, फिर उस पर अच्छे से ऑयल फिरा देना है, फिर उसके ऊपर आपने मैदा को डस्ट कर देना और फिर उसके ऊपर दूसरा रोटी रखना है। इस तरह से आपने रोल तैयार करना, देखिए मम्मी बता रहे ये देखिए इस तरह से आपने तैयार करना और लास्ट के ऊपर भी ऑयल लगा कर और मैदा डस्ट कर देना ठीक है। और फिर से अच्छे से इसे घुमाना है देखिए, और फिर से एकदम पतला पतला वाला कर देना है देखिए पतला एकदम। मज़े के कलर लग रहे हैं ना, और इसे इस तरह से ही करना है मम्मा जैसे कर रहे हैं, इस तरह से आपने करके पतला कर लेना है। आपने कट कर लेना है और फिर मम्मा बता रहे हैं आपने इस तरह से कर लेना है और इस तरह से आपने बेल लेना है ठीक है। इसे ऑयल में फ्राई करके इसे चाशनी के अंदर डुबा दिए, एक तार की चाशनी के अंदर, बड़े मज़े की बनी थी और दिखने में भी कितनी कलरफुल लग रही है ना, देख के खाने का मन हो जाए, बहुत अच्छी बनी थी। और आपने इसे अगर ऐसे भी खाना हो तो खा सकते हो, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। मेरी फर्स्ट पूरी मैं आपको बताऊंगी, देख सकते हो आप वो कैसी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है ना, वो वाली मैंने फर्स्ट बनाई थी इसलिए किसी बिगड़ गई मम्मा बोल रहे मत बताओ बहुत बुरी लग रही है, फिर भी मैंने बता दी। और ये देखिए हमारी जो पूरी है वो चाशनी में से निकल कर रेडी हो गई है, कितनी मज़े की माशाल्लाह लग रही है। एक बार तो ज़रूर आपने ये पूरी ट्राई करनी है। फ्रेंड्स तो हमें भुजिया बनाने थे, तो उसके लिए हमने जो छोटे छोटे पेड़े बनाकर उसे प्लास्टिक फॉइल में रैप करके रख दिया, और मम्मा देखिए वहाँ पर सब मिक्स कर रहे हैं जो उसका स्टफिंग है वो। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स मैं आपको स्टफ जो भुजी है वो तीन तरह के बताऊंगी, तो पहला ये वाला देख लीजिए आप और फिर से भी बाकी के बताती हूँ मैं आपको। ये मैं मम्मा को बेल बेल के दे रही थी और फिर मम्मा उसे अच्छे से पानी से लगा कर उसे इस तरह से सेव दे रहे थे। We'll be right back.
देख सकते हो हमारे पीछे कितने मजे के लग रहे हैं माशाल्लाह। फ्रेंड्स ये जो समोसे आकर के भुजिए और वो गोल भुजिए वो हमने संचे में बनाया है जो बाजार में मार्केट में मिलता है उससे। और देखिए हमारे पूरियाँ और भुजिए बनकर रेडी हो गए हैं माशाल्लाह, बड़े मज़े के लग रहे हैं। और इसे हमें बना रात के 3 बज गए थे और ये देखिए हमने इस तरह से रैप करके रख दिया जो भुजियों का स्टफिंग बची थी उसे। और ये कलरफुल पूरी है इसे हमने थोड़ी बहुत चाशनी में भिगाई है और बाकी को हमने इस तरह से खाने रख दी है सिंपल तर। और ये देख सकते हो आप कितने टेस्टी और खाने में भी इतने टेस्टी थे। और ये हमारी चाशनी वाली पूरी है। तो नेक्स्ट डे हो चुका है तो मैंने सोचा कि ब्लॉग लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सिर्फ 2 पार्ट में कर दूँगी, एक में रेसिपी डाल दूँगी एक में जलसे का डाल दूँगी। तो हमने जो रात भर बादाम और जो चावल की घी उसे भिगा दी थी तो उसे अब हम पीस लेंगे। तो हम दोनों को एक पेस्ट तैयार करेंगे, एक साथ ही पीस लेंगे। और उसे देख सकते आप पेस्ट तो रेडी हो गया। अब हम दूध को बॉईल कर लेंगे पहले और फिर हम जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स रखते हैं उसे तैयार कर लेंगे। जैसे केसर दूध है उसे रेडी कर लेंगे। फिर आपने जो मावा है मावे के अंदर दूध डालकर उसे भी एक पेस्ट तरह तैयार करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे। और इस तरह से अपने रेडी कर लेना। मुझे मम्मा की केसर वाली खीर बहुत पसंद है, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती पर मम्मा ये खीर बनाते तो मैं ज़रूर खाती हूँ, बहुत मज़े की लगती है। और इसे जब अपने फ्रिज में रख दो और फिर बाद में खाते ना तो एकदम बिल्कुल आइसक्रीम की तरह टेस्ट करती, इतनी मज़े की। और ये देखिए अब मम्मा इसके अंदर चावल और जो बादाम का पेस्ट था वो इसके अंदर डाल रहे हैं। उसे अच्छे से पका लेना आपने, ठीक है, एकदम गाढ़ी हो जाएगी इस तरह से पका लेना आपने। और फिर आपने देखिए ये मावे का मैं आपको बैटर बता रही हूँ। और फिर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर को ऐड कर लेनी है जैसे थोड़ी सी पक जाए खीर उसके बाद। और ये देखिए अब इस मुझे सता रहा, मैं वीडियो बना रही हूँ बार बार इसकी वॉश दिखा रहा है। देखिए मेरी वॉश दिखा दीजिए दीदी कर। और देखिए इसे अच्छे से चलाना है जब तक खीर आपकी बन रही है, इसे अच्छे से चलाना जिससे आप एकदम मजे। और फिर इसके अंदर आपने खसखस ऐड कर देनी है। देखिए खीर का टेक्सचर कितना जाड़ा हो गया, गाढ़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स फिर आपने बाद में नारियल का छीन डाल देना इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देना। जो हमने रात को ड्राई फ्रूट्स रेडी करके रखा था उसे हम इसके अंदर डाल देंगे खीर के अंदर। देख लीजिए आप उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मावा को रेडी किया था मावा का पेस्ट उसके अंदर डाल देंगे। फिर इसके अंदर हम चारोली इलायची पाउडर और केसर का दूध डालकर इसे रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स पार्ट 2 कंटिन्यू होगा, आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा ईद मिलाद का। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही में बेल आइकन को भी ऑल पे करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइज़।